शिवाय जया शंभुनाथ दिगंबरम जया शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम करुणाकरम जगदीश्वरम भवतारणम भवहारणम भवतारणम भवहारणम करुणाकरम जगदीश्वरम करुणाकरम जगदीश्वरम। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम अगले अध्याय का पाठ सुनेंगे। हमने पिछले अध्याय में सुना था कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश दिया था, और इस अध्याय में हम सुनेंगे कि किस प्रकार हमने लिंग शिवलिंग की स्थापना का वर्णन करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि शिवलिंग कैसे और किस स्थान पर प्रकाशित स्थापित होता है। यह सुन ऋषिजनों ने श्री सूत जी से पूछा, कैसे और कहां पर लिंग की स्थापना करनी चाहिए और इसके क्या लक्षण हैं। उसके पश्चात श्री सूत जी ध्यान मुद्रा में थोड़ी देर बैठकर उसके बाद सभी ऋषिजनों को बोले, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो उस प्रकार के लिंग की स्थापना करनी चाहिए, परंतु स्थापना उस जगह करानी चाहिए जिस जगह पर शिवलिंग का पूजन हर समय हर दिन प्रतिदिन होता रहे। पृथ्वी संबंधित द्रव्य जल में तेजस अर्थात धातु आदि से बना जैसी भी रुचि हो ऐसे लिंग की रोपण करें। उसे चरमूर्ति बनानी हो तो उसे छोटी बनानी चाहिए। अगर अचर मूर्ति बनानी है तो वह बड़ी भी बन सकती है। शिवजी के संयुक्त लक्षण से सिंहासन पे मूर्ति को पधारावे। मिट्टी पत्थर और लोहे आदि के सांचे से इन धातुओं की जो 12 उंगलियां होती है उनके लिंग उत्तम होता है। अगर इससे न्यून अथवा छोटा होगा तो उस प्रकार का फल देगा। अगर शिवलिंग ज्यादा बड़ा हो तो उसका कोई दोष नहीं होता। लिंग या बेर मूर्ति यह दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग के दो रूप है, स्थावर और जंगम। स्थावर लिंग तरु गुल्म लता आदि हैं और जंगम लिंग किर्मट कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थापन जंगम में इन्हीं को संभालकर इनमें सुख पूर्वक अपना अनुराग रखते हैं अथवा इस प्रकार की शिव पूजा की जाती है। तथा कोई भी भक्त शिवजी जी की गोद में श्री उमा और पार्वती जी को बिठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार की लिंग की स्थापना कर सानिध्य में ध्यान वस्त्र दीप तांबूल गंध अर्घ आचमन आदि से नमस्कार करें और उनकी यथोचित पूजा करें। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल और अनेकों अनेक प्रकार के फल गुड़ बेर मक्खन भस्म
अन्य या जिस प्रकार की इच्छा हो उस चीज से उनकी लिंग की स्थापना आकृति बनाकर उन्हें भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा करें। कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो अपने अंगूठे को ही लिंग मानकर उसकी पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थापना का भी कोई भी भेद नहीं है। वैसे तो सभी स्थान उचित होते हैं, तो जहाँ चाहे वह लिंग पूजन कर सकता है, परंतु वह स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसका कोई निषेध नहीं है। शिव भगवान तो सर्वदा ही सर्व फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान देता है या उसे मूल्य देता है, उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन नित्य ही प्रणप मंत्र का जप करता है, मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 10,000 बार जप करता है, अथवा प्रातः संध्या दोनों समय में 1,000 या 2,000 जप करता है, उसे भोलेनाथ शिव शंकर के शिव पद की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव अवश्य लगाना चाहिए, तथा फल प्राप्ति के लिए गुरुवर से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। परंतु ध्यान रहे कि गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें वह ब्राह्मण होना योग्य है और शिव प्रेमी होना तो अति ही आवश्यक है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह पहले नमः शब्द का उच्चारण करे और वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहे, और यह ध्यान रहे कि स्त्रियों को ओम शब्द ना लगाकर नमः शिवाय मंत्र का ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण की स्त्री हो तो वह नमः शब्द पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र वह सदाशिव के सामान्य हो जाता है। 1, 2, 3, 4 करोड़ मंत्र जपे तो ब्रह्म आदि का भी पद पा सकता है। यदि इस प्रकार जप और पूजन का कर्म चलावे तो वह नित्य 1-2 ब्राह्मण को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य 1,008 गायत्री का जप करे या वेद मंत्र सुप्त रुद्र सुप्त जपे तो वह शिव पद की प्राप्ति करता है। इसके अतिरिक्त भी और भी बड़े बड़े स्तुतियां और मंत्र हैं जिनके जपने से, वैसे तो सभी मंत्र का उच्चारण बहुत ही मद मोहन और मन को शांत करने वाला है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो मंत्र सबसे प्रिय लगे उसका ही जप हमें हमेशा करना चाहिए। यदि कोई इस मंत्र को 1,000 बार जपता है तो उसके सब मनोरथ सहज ही पूरे हो जाते हैं। विद्वान को चाहिए कि वो आवरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहां कहीं मनुष्य द्वारा शिवलिंग पधराया होता है वह 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहां जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल अवश्य मिलता है। और जहां पे ऋषिजनों ने शिवलिंग की स्थापना की हो वहां 1,000 हाथ तक और जो लिंग स्वयं प्रकट होते हैं वहां पर वह क्षेत्र 1,000 हाथ तक शिव क्षेत्र माना जाता है, तथा उसका पुण्य भी वैसा ही होता है। कवियों का इस मत में कहना है कि
ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब आदि का होना आवश्यक है, उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान पर दान जप, नाम जप, दान आदि करना सर्वदा कल्याणकारी होता है। दशा मासिक सहपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, वर्षी आदि शिव क्षेत्र में करने से सभी पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5 या 1 रात अवश्य ही निवास करना चाहिए। वर्णन अनुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम भाव से तुरंत सिद्धि और निष्काम भाव से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में महाराज और भी सरल हो गया है। इतना सुनकर सभी ऋषि बोल उठे, हे सुत जी, अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्र जिसका सभी स्त्री पुरुष शिव भक्ति कर शिवलोक की प्राप्ति करें। हे योगी श्रेष्ठ श्री सूत जी, इन क्षेत्रों का आगमन किस प्रकार हुआ ये भी हमें बताइए। बोले शंकर भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। आज हमने सुना कि किस प्रकार श्री सूत जी ने ऋषियों को शिवलिंग की स्थापना बताई और किस प्रकार का शिवलिंग हमें अपने स्थापित करना चाहिए और किस लिंग की पूजा करने से क्या फल मिलता है और किस जगह लिंग की पूजा करने से हमें कौन सा फल मिलता है, यह हमने इस अध्याय में बताया। वैसे तो घर में 12 उंगल से नीचे ही का शिवलिंग होना चाहिए, बाहर मंदिर आदियों में तो बड़े बड़े भव्य शिवलिंग उनके लिए स्थापित किए जाते हैं जो घर में शिवलिंग ज़्यादा बड़ा ना रखें और उनका प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। और घर में सिर्फ 12 उंगल छोटी ही शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, अन्यथा घर में भी दोष लगता है। तो हम इस अध्याय का अगला पाठ अगले अध्याय में बताएंगे। तब तक आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और मेरे साथ थोड़ा शिव भगवान का कीर्तन कर लें, जिससे कि आप भी धन्य हो और औरों को भी धन्य करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। अरे आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय सिया।